अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एडी गाइड यूट्यूब चैनल। तो यार मैंने ना एक वीडियो अपलोड की थी लोन के रिलेटेड यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, उन लोगों के भी आते हैं क्वेश्चंस, मतलब कमेंट आते हैं उन लोगों के भी जिन लोगों ने लोन लिया है और जिन लोगों ने लेना है। मतलब यार मैं हैरान हूँ, अभी भी लोग चाहते हैं कि दुबई में आकर वो लोन ले लें। तो सबसे पहले यार मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, थोड़ी सी बेशक मैं इसको एडवाइस समझ लें या कुछ भी समझ लें, यार एक चीज सोचो, अगर आप अपने होम कंट्री से भी आते हो तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए लगा के आओगे पाकिस्तान से, और 2.5 से 3 लाख रुपए लगा के आओगे इंडिया से, ठीक है। तो आप यहाँ पे आते हो काम करने के लिए, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, या आप अपनी मर्जी से आते हो तो इतना पैसा लगा के आते हो। यार एक चीज सिंपल सी है, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपकी मर्जी है मेरे भाई भाइयों के, आपने लोन लेना है या नहीं लेना है, या आपने यहाँ पे आके काम करना है, ठीक है। आप अपने होम कंट्री से आते हो, अगर आप लेबर में भी आते हो ना, तो लेबर में आप मिनिमम जो है ना मेरे भाई सालाना 20,000 दिरहम या 22,000 दिरहम आराम से कमा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोन लेते हो तो लोन भी आपको 25,000 दिरहम या 30,000 दिरहम मिलेगा, लेबर में तो मिलता ही नहीं है, अगर कोई लेके देगा तो इतना ही लेके देगा, वो खुद 50,000 लेगा और आपको 25,000 रुपया देगा, 25,000 खुद रखेगा, और 25,000 जो आपको देगा वो भी 100% गारंटी नहीं होती कि वो आपको देगा, वो भी लेके भाग सकता है, ठीक है। तो जो लेबर से ज्यादा जिसका जो प्रोफेशन है अच्छा है या कुछ अच्छी जॉब में आता है, तो वो तकरीबन महीने साल का यहाँ पे 30,000 दिरहम कमा लेता है, जैसा कि बाइक राइडर है, ठीक है मेरे भाई, वो बाइक राइडर तकरीबन 30,000 रुपए तक महीने साल का यहाँ पे सॉरी कमा लेता है, ठीक है। तो अगर आप यार आके यहाँ पे लोन लोगे, लोन लेके आप चले जाओगे अपने होम कंट्री, आप पे बैन लग जाएगा, आप दोबारा कभी भी किसी यहाँ पे नहीं आ सकते। अगर आप किसी भी गोल्फ कंट्री में जाते हो, उसका नुकसान यह है कि अगर आपने जिस बैंक से लोन लिया है, तो अगर उस बैंक की ब्रांच उस गल्फ कंट्री में भी हुई, ठीक है, या आपके होम कंट्री में भी हुई, तो आप वहां पे भी ट्रैप्ड हो सकते हो। ये भी क्वेश्चन हुआ था कि भाई क्या मैं ट्रैप्ड हो सकता हूँ किसी भी गल्फ कंट्री में, अगर यूएई में लोन है तो। भाई आपके लिए भी है वीडियो, अगर उस बैंक की ब्रांच उस गल्फ कंट्री में भी है जहाँ पे आप गए हो, या आपके होम कंट्री में भी है, तो भी आप ट्रैप्ड हो सकते हो मेरे भाई। ये कभी मत सोचना कि नहीं ट्रैप्ड हो सकते, डेफिनेटली आप हो सकते हो। और अगर आप ट्रैप्ड हो गए किसी भी गल्फ कंट्री में जहाँ पे बैंक की ब्रांच है, या आपके होम कंट्री में, तो वो वहाँ पे भी आप पे क्रिमिनल केस कर सकते हैं, एक। और दूसरी बात, जिन लोगों ने लोन ले रखा है ना मेरे भाई, या जो लोग लेना चाहते हैं, तो वो भाई लाइफ टाइम यहाँ से बैन होंगे, और उसके बाद अगर वो वापस आएंगे ना तो एयरपोर्ट भी पकड़ लिए जाएंगे, जब तब तक वो वापस नहीं जा सकते जब तक वो यहाँ का अपना क्रिमिनल केस लोन का या किसी भी किस्म का क्लियर नहीं कर सकते। मेरे भाई ये उन लोगों के लिए भी वीडियो है जो लेना चाहते हैं, जिन लोगों ने ले लिया है, तो कभी भी गलती मत करना, यहाँ से लोन लेके भाग जाना। यार आप लोन लेके चले जाओगे अपने होम कंट्री में तो क्या फायदा यार, 6 महीने खा लोगे, हराम हराम ही होता है, हलाल हलाल ही होता है। और दूसरे नंबर पे यार, अगर आप यहाँ पे आओगे, आगे 1 साल काम करोगे ना, या 2 साल काम करोगे, 4 साल काम करोगे, तो जितना आपने लोन लेना उससे ज्यादा डबल ट्रिपल अर्निंग कर लोगे यहाँ से। इसमें क्या करोगे, आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो, अपने बिजनेस को अपने होम कंट्री में स्टार्ट करने के लिए आप उतने पैसे भी यहाँ पे जमा कर सकते हो। भाई मेरा भाई लोन लेके भागने वाली या किसी और कंट्री में उसे कह रहे हैं ट्रैवल करने की मत सोचो, एक बंदे के पुत्रों की तरह ना अपना यहाँ पे आओ, लोन मत लो, काम करो, 2 साल कर लो, 3 साल कर लो, क्या फायदा यार 20-25 हजार लेके भाग जाओगे यार, उसका कोई फायदा नहीं है, उससे आपके कंट्री की इमेज भी मेरा भाई खराब होगी, फिर उस कंट्री के लिए जो वीजे लगने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और कुछ लोगों को ना मेरी ये वीडियो बहुत बुरी लग रही होगी, बेशक जिन लोगों ने कमेंट किया या किसी और ने, या जो लोग मुझे देख के ना, मतलब कि जिनको वो है समझ रहे हो ना भाई, तो मेरा भाई जो सच है ना वो सच है, और जो लोग लोन लेके देते हैं और लोगों को पैसे भी नहीं देते, भाग जाते, फरार हो जाते ना, ये उन लोगों को भी ऐसा ही कुछ ना कुछ है, समझ रहे हो मेरा भाई। ये काम छोड़ दो, किसी का साथ इस तरह 2 नंबरी क्यों करते हो, अगर समझा उसको बल्कि समझाओ मेरा भाई, ये काम मत करो, ठीक है यार। अगर आप लोग लोन लेके दे देते हो, वो लोन लेके चला जाता है, उसके लिए हराम हराम आपके लिए भी है, तो ये 2 नंबरी का काम छोड़ो, 1 नंबर का काम 1 नंबर ही होता है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को समझ आ गई होगी कि लोन नहीं लेना किसी भी कंट्री में जाके, जहाँ पे लोन लेके 6 महीने बाद चले जाना है वापस, और 6 लाख रुपए आप अपनी कंट्री का जो लगा के आएगा वो भी निकालना लोन लेने के बाद मेरे भाई, तब पता चलेगा आपको कितने पैसे बचे हैं, अगर आप लोन लेके भागते भी हो तो, ठीक है। ज्यादा 2-2.5 लाख एक्स्ट्रा लेके, 3 लाख एक्स्ट्रा लेके चले जाओगे, किसी काम का नहीं है मेरे भाई। तो कोशिश करो, आओ यहाँ पे 2-4 साल काम करो, जो पैसे हैं
उनको जोड़ो, अपने फैमिली को सपोर्ट करो, अपना यहाँ पे कोई बिजनेस करने के लिए पैसे जोड़ के अपने होम कंट्री जाके आराम से अपनी लाइफ को गुजारो। तो आई होप आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने भाई की वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को घुमा दो पूरे सोशल प्लेटफॉर्म पे। लग जाएगा पता कि यार कितनी सपोर्ट करते हैं भाई। तो इसके साथ साथ दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।